तो हे गाइज, आज के एक और न्यू वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गाइज कि अगर आप भी अपने पेटीएम के अंदर अपने बैंक अकाउंट को लिंक करने जा रहे हो तो वहाँ पे लिंक नहीं हो रहा है। जैसे कि देख सकते हो, जैसे आप अपने पेटीएम के अंदर जैसे बैंक अकाउंट लिंक करने जाते हो तो वहाँ पे आपको लिंक नहीं होगा, वेरीफाई लिखिएगा। जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे लिंक नहीं हो रहा है। तो कैसे इसका फिक्स आउट कर सकते हो, ये जो एरर देख रहा है इसको कैसे फिक्स आउट कर सकते हो, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो आपको बहुत ही इजी तरीके से इसका सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए गाइज आपको क्या करना है कि जो वीडियो देख रहे हो ना उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दो। तो चलिए मैं बता देता हूँ। तो उससे पहले गाइज अब आपको क्या करना है कि जो वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट नीचे लाइक बटन दिया हुआ है, तो अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दो। लाइक करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, तो फटाक से जाकर सब्सक्राइब कर लो। बगल में जो बेल आइकन की घंटी है ऑल पे सिलेक्ट कर लो, अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो, अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हो तो। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने पेटीएम के अंदर जो फील्ड वाला प्रॉब्लम शो कर रहा है, आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है, तो वो कैसे फिक्स आउट हो सकता है, वो जो प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो उसके लिए गाइस पहले आपको क्या करना है कि आपके उसके लिए पहले आपको क्या करना है कि वो जो पेटीएम है ना उसको ओपन कर लेना। जैसे यहाँ पे ओपन करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम का होम पेज आ चुका है। तो अब गाइज इसको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो ऊपर की साइड में प्रोफाइल फोटो दिख रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो ना, उसके बाद फिर ऊपर की साइड में जो प्रोफाइल फोटो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो उसके बाद फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। फिर यहाँ पे देख सकते हो पेटीएम का होम पेज आ चुका है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है गाइज कि ऊपर की साइड में जो आपका प्रोफाइल फोटो दिख रहा है तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो। अब गाइज यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा, पेमेंट सेटिंग, जैसे कि देख सकते हो UPI एंड पेमेंट सेटिंग। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो उसके बाद फिर आपके मोबाइल में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद गाइज जो फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन दिख रहा है UPI एज लिंकेड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने बहुत सारे बैंक शो हो जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो। तो जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है उस बैंक को यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बैंक देखने को मिल रहे हैं। तो अगर यहाँ पे नए देखने को मिलते हैं तो आप सर्च बार में जाकर सर्च मार सकते हो। तो जैसे ही सर्च मारते हो तो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देख सकते हो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से लिंक करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ, अगर आप भी सर्च मारते हो तो वहाँ पर शो कर जाएगा। तो यहाँ पे गाइज ऊपर की साइड में आपको एक ऑप्शन जरूर देखने को मिल जाएगा UPI एज लिंकेड बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करते हो फिर से आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो फिर से आपको बहुत सारे बैंक देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि देख सकते हो। तो जिस बैंक में आपका बैंक अकाउंट ओपन है उस बैंक को यहाँ पे आप चूज कर लीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं शो होता है तो यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, तो सर्च बार में जाकर सर्च मार सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं जो बैंक अकाउंट में ऐड करना चाह रहा हूँ वो बैंक अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, एयरटेल पेमेंट बैंक को मैं अपने इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह आप भी सर्च मार कर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो एक मैसेज आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हो वो जो बैंक था यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे गाइज बहुत ही इजी प्रोसेस से आप ऐड कर सकते हो, वो जो प्रॉब्लम शो कर रहा था अब फिक्स आउट हो चुका है। तो इस तरह से गाइज आप बहुत ही इजी प्रोसेस से अपना जो बैंक अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हो, वो जो प्रॉब्लम शो कर रहा था फिक्स आउट हो जाने वाला है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को
वो जो प्रॉब्लम शो कर रहा था फिक्स आउट हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो जो प्रॉब्लम शो कर रहा है ना गाइस, वो क्यों कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम आपको इसलिए शो कर रहा है कि आपके मोबाइल में अगर दो सिम है तो दो सिम में गाइस एक सिम में अगर आउटगोइंग इनकमिंग सारा बंद है, तो उस समय बहुत दिन से आप रिचार्ज नहीं कराएं तो उसमें से गाइस मैसेंजर को भी आउटगोइंग और इनकमिंग बंद हो जाता है, तो उस समय गाइस आप अगर इसे ऐड करना चाहते हो अपने बैंक अकाउंट को पेटीएम में, तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को जरूर मिल जाएगा। तो एक बार आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, और वहाँ पे आपको अगर आपके जो सिम है उसमें रिचार्ज है तो कोई भी प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। तो ये सबसे मेन प्रॉब्लम है गाइस, तो वहाँ पे पहले आप जाकर चेक कर लीजिए। अगर आपके सिम में रिचार्ज नहीं है तो पहले रिचार्ज कर लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से ऐड कर लीजिए। तो जैसे ऐड करते हो तो बहुत ही ईजीली तरीके से ऐड हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको ऐड करके बता दिया है। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ऐसे ही न्यू वीडियो देखना चाहते हो तो फटाक से जाकर जो मेरे चैनल है वहाँ पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकन की घंटी ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड या रिश्तेदार के साथ भी शेयर जरूर कर देना। और हाँ गाइस, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना कि आपका जो प्रॉब्लम था फिक्स आउट हुआ कि नहीं। तो मिलता है अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।